अच्छा है ना माँ, ये मैंने खुद बनाया अपने लिए। माँ मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। आप होती तो आप भी छोटी माँ की तरह मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करती ना, बहुत प्यार करती ना मुझे, मेरे लिए गिफ्ट्स लाती, मेरा फेवरेट खाना बनाती, अपने हाथों से तैयार करती ना आप। माँ मुझे आपकी बहुत याद आती है, अब वापस आ जाइए ना, आप क्यों चली गई? प्लीज। माँ प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। सावरी रामप्रसाद तुम यहाँ और ये हाथ में फूल लिए क्यों घूम रहे हो? सावरी जन्मदिन मुबारक हो, ये मेरे सबसे पसंद के फूल है जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। थैंक यू रामप्रसाद, थैंक्स अ लॉट। तुम्हें पता है तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है? मुझे तो लगा था कि किसी को भी मेरा बर्थडे याद नहीं रहेगा। मैं तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ ना, मैं तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ? तुम श्वेता के लिए कुछ नहीं लाए? उसका भी तो बर्थडे है ना। उसे फूल पसंद नहीं, मैं उसे कुछ और दे दूंगा। मैं अभी आया। रुको मैं भी चलूंगी, हम दोनों श्वेता को एक सुंदर सा गिफ्ट देंगे। चलो। माँ पापा आप लोग यहाँ? कोई काम था मुझे बुला लेते। काम होता तो जरूर बुला लेते, लेकिन आज हम तुम्हें तुम्हारी गलती के बारे में बताने आए हैं। गलती? मैंने तो कोई गलती नहीं की। की है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है सावरी। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी मामा तुम्हारा जन्मदिन भूल सकती है? हैप्पी बर्थडे बेटा। माँ आपको मेरा बर्थडे याद था? मेरी बच्ची। भला मेरी गुड़िया का बर्थडे मैं भूल सकती हूँ? लेकिन मैंने तुम्हें विश नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, जिसे श्वेता को दिया। अब बता कैसा लगा मेरा सरप्राइज? और यही सरप्राइज देने के लिए तुम्हारी मम्मा ने हमें भी रोक के रखा हुआ था, वरना हम तो अपनी बिटिया को सबसे पहले उसके जन्मदिन की शुभकामना देने वाले थे। हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान करे तुम्हारा हर जन्मदिन तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और ये खुशियां कभी खत्म ना हो। ये लो, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी मम्मी और मेरी तरफ से। आप लोगों ने मेरा बर्थडे गिफ्ट भी लेकर रखा था? हाँ, मैंने तुम्हारे और श्वेता के लिए पहले से गिफ्ट ले रखा था। बर्थडे पार्टी के लिए बहुत अच्छी ड्रेसेस। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा। अब जाओ जल्दी से अपना गिफ्ट खोलो और तैयार हो जाओ, पूजा शुरू होने वाली है।
बहुत अच्छे लग रहे हैं आप इस सूट। आती कहाँ जा रहे हो तुम? ट्यूशन, रोज तो जाता हूँ। अरे वाह, हमेशा मुझे जिद करना पड़ता है कि चले जाओ ट्यूशन, आज अपने आप जा रहे हो। क्यों, मैं अपना अपनी मर्जी से नहीं कर सकता क्या? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। आदि रुको, आज श्वेता का बर्थडे है, बहुत सारे लोग बुलाए हमने, अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, सुनो, जा ही रहे हो तो जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, सब तुम्हारा वेट करेंगे। अरे काम नहीं बेटा, बेटा तुम अब तक तैयार नहीं हुई, पार्टी में सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। आप जाइए पापा, मुझे बर्थडे पार्टी में नहीं जाना है। क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं जाना? बस निकिता की वजह से, मैंने उसे मना किया था, फिर भी वो उसी कलर की ड्रेस पार्टी में पहनकर जा रही है जो मैं पहनने वाली हूँ। बेटा ये तो अच्छी बात है ना, तुम दोनों बहने हो, और फिर निकिता जो है तुम निकिता मेरी बहन नहीं है पापा, इसलिए वो वैसा ड्रेस नहीं पहन सकती है जो मैं पहनने वाली हूँ। कामनी, एक बात ध्यान से सुन, निकिता ठीक उसी तरह से मेरी बेटी है जिस तरह से तुम मेरी बेटी हो, और इस नाते तुम दोनों बहने हो, इसलिए रिश्तों का सम्मान करना सीखो, समझे तुम? थोपे हुए रिश्तों को सम्मान नहीं दिया जाता समय, और अगर तुम्हें ये लड़की इतनी ही प्यारी है तो इसे लेकर जाओ पार्टी में, मुझ पर और मेरी बेटी पर चिल्लाकर रिश्ते थोपने की कोशिश मत करो। कावेरी कामनी मेरी भी बेटी है और मैं इसमें कोई रिश्ता नहीं थोप रहा हूं, निकिता इसकी बहन है, क्योंकि क्योंकि कामनी की तरह वो भी हमारी बेटी है। निकिता मेरी बेटी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी बेटी है समय, उसका मुझसे और मेरी बेटी से कोई रिश्ता नहीं और ना कभी हो सकता। कावेरी दोनों, अरे बच्चों के सामने इस तरह लड़ना झगड़ना क्या शोभा देता है तुम्हें? अगर तुम दोनों ही आपस में इस तरह से पेश आओगे तो इन्हें क्या सिखाओगे, क्या असर पड़ेगा इन पर? और तुम, आजकल मैं देख रही हूँ तुम जरूरत से ज्यादा जिद्दी होती जा रही हो, अगर तुम्हें निकिता जैसी ड्रेस नहीं पहननी है तो जाकर कोई दूसरी ड्रेस पहन लो ना, क्या फर्क पड़ जाएगा? सिर्फ मैं ही क्यों, क्या वो दूसरी ड्रेस नहीं पहन सकती है? कामिनी तुम्हें मैंने कहा है ना? दादी साहब, कामिनी ठीक कह रही है, वो ड्रेस वैसे भी मुझ पर अच्छी नहीं लग रही, मैंने ट्राई भी किया था, मैं इसमें बिल्कुल जोकर दिख रही थी, तो ये ड्रेस कामिनी को ही पहनने दीजिए, क्योंकि वो इतनी सुंदर जो है, डिसाइड किया है कि मैं पार्टी में ये वाली ड्रेस पहनूंगी और कामिनी वो येलो वाली। चलो कामिनी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ वरना मैं पार्टी में लेट हो जाएगी ना। बाबो समझी सा, आइए पधारिए। आप लोगों ने आने में इतनी देर कैसे कर दी? आपकी नवासी का जन्मदिन है और आप ही देर में आ रहे हैं, आपको तो सबसे पहले आना चाहिए था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं बाबो, लेकिन हम भी क्या करते हैं, हमारी नवासी का जन्मदिन है तो हमें भी तो थोड़ा सज धज करना था ना, बस उसी में देरी होगी।
अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन जिसके लिए हम आए हैं वो कहाँ है? अरे हाँ भाई, वो बर्थडे गर्ल कहाँ है भाई? वो देखिए आ रही है। बहुत सुंदर। अरे सुंदर ही नहीं लग रही है, तू तो हटाके भाई, तू बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल परी जैसी लग रही है। ये तेरे गिफ्ट। इसमें क्या है? अरे तेरा बर्थडे गिफ्ट है और क्या है? Many many happy returns of the day. ये लो तुम्हारा गिफ्ट। इस पूरे पार्टी में मुझसे अच्छा गिफ्ट और किसी का नहीं होगा। सो तो है, लेकिन गिफ्ट तो तभी मिलेगा जब केक कटेगा, है ना? अब सलाइनी जी, केक का है लेकिन नजर नहीं आ रहा है। अभी आ जाएगा कवर सा, धीरज रखिए। लेकिन सावरी कहाँ है? पूजा के बाद दिखाई नहीं दी। और क्या क्या गिफ्ट मिली है तुम्हें? इधर आते खाती हूँ। सावरी काका, आपने सावरी को कहीं देखा है? पता नहीं कहाँ चली गई। बिटिया रानी को तो राम प्रसाद के साथ अपने क्वार्टर की तरफ जाते हुए देखा था। आप कहे तो बुला लो। आप नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं चली जाती हूँ। आप ये अंदर रख दीजिए। देखना, अब थोड़ी देर में हमारी ये गुड़िया तैयार हो जाएगी। बताओ ना, ये श्वेता को पसंद तो आएगी ना? सिर्फ पसंद ही नहीं, बहुत पसंद आएगी। श्वेता को आज तक इतनी सुंदर गिफ्ट किसी ने नहीं दिया होगा। माँ देखो ना, ये गुड़िया मैंने और रामप्रसाद ने बनाई है खुद अपने हाथों से, श्वेता को उसके बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए। देखिए, अच्छी है ना? वाह, बहुत सुंदर है। बिल्कुल मेरी प्यारी सावरी की तरह। तुम दोनों अब जल्दी करो, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं। बस माँ दो मिनट, थोड़ा सा ही काम बाकी है। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, देर मत लगाना। ठीक है। हैप्पी बर्थडे श्वेता। Thanks, and same to you. तुम्हें भी तुम्हारा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you. I'm sorry, सावरी, मुझे तुमसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैं भूल ही गई कि मेरी तरह तुम्हारा भी बर्थडे है। और तुम्हारे बर्थडे के दिन मैंने न जाने क्या क्या कह डाला। तो क्या हुआ श्वेता,
तुम मेरी बहन हो ना, और एक बहन अपनी बहन से कुछ भी कह सकती है। मुझे तो वो सब याद भी नहीं है, और तुम्हें भी भूल जाना चाहिए। देखो ये मेरे और राम प्रसाद की तरफ से, ये हम दोनों ने अपने हाथों से बनाया है। शी, इस तरह की डॉल्स तो रस्ते में दो दो रुपए की मिलती हैं, फिर भी इन्हें कोई नहीं खरीदता। तुम कोई अच्छा सा गिफ्ट नहीं दे सकती थी श्वेता को? यू आर रॉन्ग कामनी, इस गिफ्ट से अच्छा तो कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। ये मेरी बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। क्योंकि इसे मेरी बहन ने जो बनाया है वो भी अपने हाथों से। लो इसे मुझे दो। सावरी, तुमने इस तरह की ड्रेस क्यों पहनी? तुम्हें पता है ना तुम काली हो, और तुम पे ऐसी ब्राइट कलर की ड्रेसेस अच्छी नहीं लगती, तो अगली बार से तुम ऐसी ड्रेसेस मत ही पहनना। ऐसा नहीं कहते कामनी, ये ड्रेस सावरी पे बहुत सूट कर रही है। और प्लीज इसे अब और कुछ मत कहो, वैसे इसका भी बर्थडे है ना आज। मुझे बहुत खुशी है, मेरी दोनों बच्चियों के स्वभाव में भले ही अंतर हो, लेकिन उनके संस्कार मुझसे अलग नहीं है। अगर सावरी श्वेता से प्यार करती है तो श्वेता भी उससे कम प्यार नहीं करती। वो मुंह से भले ही कुछ बोले लेकिन सावरी को बहुत प्यार करती है। आखिर बेटी किसकी? तारा बेटा, सब लोग इतने खुश हैं और तुम इतनी परेशान लग रही हो, क्या बात है? आदित्य अभी तक वापस नहीं आया बाबू, बस इसी बात को लेकर परेशान हूँ मैं। देख बेटी, शाम को तो वो ट्यूशन में जाता है ना, हो सकता है वहां से लौटने में उसे देर हो गई हो, फोन करके पता तो कर ले। फोन किया मैंने बाबू, ट्यूशन टीचर ने कहा कि आज छुट्टी थी और ये बात उन्होंने बच्चों को कल ही बता दी थी। आप सोचो उसने मुझसे झूठ बोला है, झूठ बोलकर कहाँ गया है वो? तू चिंता ना कर, बचपन में ब्रजेश अनाहर ठीक यही किया करते थे, बहाने बनाकर शरारतें किया करते थे मेरे साथ। पापा लेकिन इस उम्र में वो अभी से मुझसे झूठ बोल रहा है, आगे चलकर क्या होगा? नहीं बात तो सही नहीं है, लेकिन अभी उसकी चिंता करने से क्या होगा, घर आ जाने दे उसे, फिर बरस लेना उसके ऊपर, है ना? देर हो गई, तब तो आ जाना चाहिए था। कितनी देर लगा दी आपने, मैं आपका कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, कितना मिस कर रहा हूँ आपको मालूम है? हाँ बेटा हम जानते हैं, क्योंकि हम भी आपकी याद में उतना ही तड़प रहे थे जितना आप हमारी याद में।